नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग ड्राइंग के हिसाब से पीसीसी का पीस कॉलम फुटिंग का और कॉलम का शटरिंग और कंक्रीट का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं देखने वाले हैं। पीसीसी का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे ड्राइंग के हिसाब से। अभी इधर एक पीसीसी का एक चार्ट दिया हुआ है, फुटिंग टाइप, कॉलम नंबर्स, आरसीसी फुटिंग साइज, डेप्थ, F1C1, F2C2, 1350 बाय 1650, छोटा ये डेप्थ है 230 और बड़ा डेप्थ है 450, मतलब ये। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले शटरिंग का F1 एक नंबर, ये ध्यान दीजिएगा, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, नंबर्स, लेंथ, ब्रेड, डेप्थ, क्वांटिटी, रिमार्क्स। इसमें F1 यूनिट स्क्वायर मीटर एक नंबर, और इसमें अभी 1.35 दिया हुआ है। इसमें दोनों साइड का ऑफसेट, ये जो ऑफसेट दिख रहा है ऑफसेट ऐड करने का, +0.1 +0.1, इधर भी ऐसा ही 1.65 इधर साइड का ऑफसेट, 1 +0.1 +0.1, और डेप्थ है 0.1। तो क्वांटिटी आ गई अपनी 2 × 2, मतलब दो नंबर, ये डी नंबर मतलब एक नंबर है, × एल प्लस बी मतलब 1.55 + 1.85 × डेप्थ × जी मतलब इधर दिया है 0.1। 2 × नंबर्स × एल प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट × डी इज इक्वल टू 0.68 मीटर स्क्वायर। अभी सेम F2 का भी निकालना है, वैसे सेम डायमेंशन है तो सेम ही आएगा। अभी PCC का कॉन्क्रीटिंग कैसे निकालना है, 1 लेंथ 1.55, ब्रेड्थ है 1.85 और डेप्थ है 0.1। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर्स इंटू एल इंटू बी इंटू डी इज इक्वल टू एन नंबर 1 × 1.55 × 1.85 × 0.1 = 0.29 mq। ये सिंपल फॉर्मूला है, नंबर्स इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ इज इक्वल टू क्वान्टिटी आएगा, वो क्यूबिक मीटर में आएगा। बहुत ही आसान है क्वान्टिटी PCC का निकालने के लिए, सिर्फ ड्राॅइंग देखने का, और ये जो ऑफसेट है कितना ऑफसेट है वो देख करके, और ये शेड्यूल रहता है वो शेड्यूल के हिसाब से वो ऑफसेट ऐड करके हम लेंथ ब्रेड निकाल सकते हैं। उसके बाद डेप्थ दिया रहता है, उसके हिसाब से शटरिंग का कंक्रीट का क्वांटिटी निकाल सकते हैं। आज हम कॉलम फुटिंग और कॉलम्स का शटरिंग और कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालते हैं ड्राॅइंग के हिसाब से वो देखेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग एक मेजरमेंट शीट बनाएंगे, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, नंबर्स, लेंथ, ब्रेड, डेप्थ, क्वांटिटी और रिमार्क्स। अभी कॉलम फुटिंग शटरिंग क्वांटिटी, इसके लिए हम लोगों को एक ड्राइंग रेफर करना पड़ेगा। इधर एक ड्राइंग दिया हुआ है, ये देखिए, कॉलम नंबर्स, फुटिंग साइज दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, C1, C4, C12, 1300 बाय 1700 का फुटिंग है, 450 का थिकनेस है। इधर देखिए C1, C4, C12 तीन नंबर है, 1300 बाय 1700 का है, 450 डेप्थ है, और इसका फुटिंग का ड्राइंग कैसा है, ये देखिए सिंपल रेक्टेंगुलर फुटिंग है। तो इस हिसाब से हम क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, नंबर्स थ्री नंबर्स है ना, 3 × 2 मतलब 2 × L + B मतलब 1.3 + 1.7 इंटू डेप्थ 0.45 इज इक्वल टू 8.1 स्क्वायर मीटर। अभी नेक्स्ट है C2, C3 C2, C3 का कितना डायमेंशन है, 1400 बाय 1800, और थिकनेस कितना, डेप्थ कितना है 500। तो उस हिसाब से ये कितना है, दो नंबर, 1400 बाय 1800, 500 डेप्थ, सेम फॉर्मूला है, नंबर्स इंटू टू मतलब ये नंबर्स इंटू टू इंटू ब्रैकेट 1.5 + 1.4 + 1.8 × 0.5 इस हिसाब से ये शटरिंग का क्वांटिटी हो गया। C5 का कितना है, 1.4 बाय 1.8, और C6 का 1.3 बाय 1.7, और C7 और C14 का 1.5 बाय 1.18, सेम इधर हमने डायमेंशन ले लिया, इस हिसाब से वही फॉर्मूला लगा करके ये शटरिंग का क्वांटिटी निकाला। अभी कंक्रीट का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, सिर्फ इसमें सब सेम, ये नंबर सेम है, लेंथ, ब्रेड, डेप्थ सेम है, सिर्फ फॉर्मूले में क्या करना है, नंबर्स इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ
इज इक्वल टू क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी आएगा। जैसे तीन नंबर है, 1 × 3 × 1.3 × 1.7 × 0.45 इज इक्वल टू 2.98 क्यूबिक मीटर आ गया। C2 C3 का भी ऐसे ही 2 × 1.4 × 1.8 × 0.5 इज इक्वल टू 2.52 आ गया। सेम C5 C6 C7 का भी क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी आता है। अभी हम देखेंगे कॉलम्स के बारे में। कॉलम्स C1 C2 C4 और C12, ड्राइंग में कॉलम का साइज क्या दिया है देखिए। इधर फुटिंग से फर्स्ट स्लैब तक 230 बाय 600, सब का 230 बाय 600 है, ये ध्यान में रखिए। तो तीन कॉलम है, 230 600, और 2.5 मीटर आपने हाइट कंसिडर किया इसलिए 2.5 मीटर। और ये क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं, नंबर्स इंटू 2 × 0.23 + 0.6 × 2.5, 12.45 स्क्वायर मीटर शटरिंग का हो गया। C2 C3 का भी वैसे ही दो है, 0.23, 0.6, 2.5 मीटर के हिसाब से इसका क्वांटिटी आ गया 2 × 2 × 0.23 + 0.6 × 2.5, 8.30। ऐसे C5 C6 C7 and C14 का भी ऐसे सेम फार्मूला से हम निकालेंगे। अब इसका कॉन्क्रीट क्वांटिटी कैसे निकालना है, इसमें सेम नंबर्स LBD सब सेम है, सिर्फ फार्मूला चेंज आएगा। नंबर्स 3 × 0.23 × 0.6 × 2.5 = 1.04 क्यूबिक मीटर। C2 C3 का भी सेम 2 × 0.23 × 0.6 × 2.5 = 0.69 क्यूबिक मीटर। इसके बाद C5 C6 C7 C14 का भी सेम फार्मूला के हिसाब से क्यूबिक मीटर में हम क्वांटिटी निकालते हैं। कॉलम का कॉन्क्रीट क्वांटिटी निकालते समय उनको फ्लोर टू फ्लोर कंसिडर करना है, ये ध्यान में रखिए। शटरिंग हो और कॉन्क्रीट हो, फ्लोर टू फ्लोर देखना है। तो शटरिंग हम जहाँ तक लगा सकते हैं उतना ही लेना है, और कॉन्क्रीट पूरा फ्लोर टू फ्लोर में ही लेना है। समझने के लिए आसान है, आप ड्राइंग देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर पहली बार मेरा चैनल आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।